दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। आज हम इसमें बताएंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसका डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, और ये बिजनेस दोस्तों बहुत ही सिंपल है, और ऐसे बिजनेस करने वाले लोगों की संख्या जो है बहुत ही कम है। यानी अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो 100 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी है कि आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही सिंपल है, आगे हम आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर बिजनेस के बारे में। दोस्तों आजकल हर चीज़ होम डिलीवरी में आने लगी है, इवन फूड भी आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवर करते हैं। इसके अलावा अगर हम सफ़र पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हम फूड साथ में लेके जाते हैं। तो जिस कंटेनर में ये फूड आता है उसे कहते हैं एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर। दोस्तों इसकी खासियत ये होती है कि इसमें फूड जो है वो गर्म का गर्म रहता है, ताज़ा रहता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो कंटेनर होता है ये रिसाइकलेबल होता है, तो इससे पोल्यूशन का भी कोई खतरा नहीं होता है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए कौन सी मशीनरी की आवश्यकता होगी, इसमें कितनी कॉस्टिंग लगेगी, इसमें कितने रॉ मटेरियल लगेगा, इसमें कौन से लाइसेंस लगेंगे, आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एरिया की, तो आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ये बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। लगभग आप इस बिजनेस को करने के लिए 1500 स्क्वायर फीट से तो 2000 स्क्वायर फीट के एरिया में आप ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उस एरिया में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी कमर्शियल लेनी होगी और वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें कौन सी मशीन्स की आवश्यकता होगी और कौन से वाले रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए दो टाइप की मशीन्स आती है, एक होती है सेमी ऑटोमेटिक, एक होती है फुल्ली ऑटोमेटिक। आप आपके बजट के हिसाब से ये मशीन्स को खरीद सकते हैं। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदना चाहते हैं तो ये आपको लगभग हो जाएगी 15 लाख से तो 18 लाख के बीच में, और अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन खरीदना चाहते हैं तो ये हो जाएगी आपको 20 लाख से तो 25 लाख के बीच में। दोस्तों आप अपने बजट के हिसाब से इन मशीन्स को खरीद सकते हैं। अब रहा सवाल इस बिजनेस को ये मशीन्स को कैसे चलाते हैं, तो दोस्तों जब आप मशीन खरीदते हैं तो वहाँ की जो उस कंपनी के इंजीनियर्स होते हैं वो आकर के आपको पर्सनल लेवल पर इसका ट्रेनिंग देते हैं कि ये मशीन किस तरह से चलाई जाती है और इस बिजनेस को किस तरह से किया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके रॉ मटेरियल की, तो आपको IndiaMart.com पर 150 रुपये से तो 200 रुपये के बीच में पर केजी के हिसाब से इसकी एल्यूमिनियम फॉइल शीट खरीदनी होगी, जो आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी पैकिंग बॉक्सेस की, जिसमें आप जब आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए तो जिन बॉक्सेस में आप रख करके इसे भेजोगे उन बॉक्सेस की भी आपको इसमें रॉ मटेरियल में ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में लगने वाले मैन पावर की, तो आपको सबसे पहले तो दो स्किल्ड वर्कर रखने होंगे। इसके अलावा अदर जो काम होते हैं उसके हिसाब से तीन अनस्किल्ड वर्कर भी अगर आपने रखे तो भी चलेगा। इसके अलावा जब आपका प्रोडक्ट पूरा बनके रेडी हो जाता है तो आपको दो सेल्समैन भी रखने होंगे जो आपका प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके। दोस्तों अगर बात की जाए इस बिजनेस में लगने वाले लाइसेंस की, तो सबसे पहले तो आपको उद्योग आधार का लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद आपको इसमें ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा। इसके बाद आपको लगेगी ज़रूरत नो पोल्यूशन के लाइसेंस की। अगर आप ये बिजनेस को शहर में कर रहे हैं, सिटी के अंदर आता है, तो आपको नो पोल्यूशन का लाइसेंस भी
बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा आपको लगेगा जीएसटी का नंबर और जो भी आपके लोकल लेवल पर जो लाइसेंस लगते हैं वो भी आपको लेने होंगे। दोस्तों अगर बात की जाए इसमें लोन की, तो ये जो बिजनेस है इसमें मुद्रा लोन ले सकते हैं और भी गवर्नमेंट की कई स्कीम्स है जिसे जाकर के आप जो नेशनलाइज बैंक होते हैं वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इस बिजनेस में लगने वाली मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके टारगेटेड कस्टमर इस बिजनेस में कौन हो सकते हैं, जैसे कि होटल्स है, रेस्टोरेंट है, सुपर बाजार है, शोरूम्स है, होलसेल वाले जो लोग हैं वो भी आपके टारगेटेड कस्टमर हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे रेलवेज है या जहाँ पर ट्रेवल ज़्यादा होता है, ऐसे इसमें जो होम डिलीवरी फूड बनाए जाते हैं वो लोग भी आपके टारगेटेड कस्टमर हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके मार्केटिंग के लिए आपको 2 से 3% सेल्समैन आपको रखने होंगे जो इन सारी जगहों पर जाकर के विजिट करके आपके लिए ऑर्डर ला सके। तो दोस्तों इसका जो मार्केटिंग है इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको पैकेजिंग पे उतना ध्यान नहीं भी दिया तो भी चल सकता है, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इसके मार्केटिंग पर भी उतना ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये थी ऑल ओवर बेसिक इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस के बारे में। हम इसी तरह के इनोवेटिव आइडियाज लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर अपडेट्स इसी तरह मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।